हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मल्टी पॉकेट शॉपिंग बैग। उसके लिए हमने जो कपड़ा लिया हुआ है, इसकी लेंथ है 36 इंच। और इसकी विड्थ है 18 इंच। और ये दो पट्टियाँ और हैं 15x7.5 इंच की। इनके साथ में अटैच करेंगे हम चावल का बोरा, तो इसी के बराबर की ये पट्टियों के और इसके बराबर की हम लंबाई में उसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसके साथ अटैच कर लेंगे ये जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है, इसमें हम इसको इस तरह से फोल्ड करके लेंगे। और साइडों में हमें डायरेक्ट ऐसे ही सिलाई देना है, यहाँ से कोई मोड़ नहीं लेना है इसमें, इधर से बस ऐसे मोड़ेंगे हम। ये बोरी अटैच करने के बाद फ्रेंड्स हम इसका सेंटर लेंगे। जैसे कि मैंने सेंटर पर निशान लगा दिया है, अब इसके दोनों साइड में हम लेंगे 4-4 इंच, यानी कि इसको अब हमें 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। ये बीच का हो गया अब 8 इंच, और उसके बाद ये रह गया हमारा 12 इंच। फ्रेंड जैसे कि आपने थंबनेल में देखा हुआ है, अब हम एक और कपड़ा लेंगे ये ऐसा, इससे जो अपना बैग का बाहर वाला हिस्सा रहेगा उससे हमें 3 इंच कम इसको लेना है, और एक साइड से मोड़ लेंगे। और जैसे थंबनेल में आपने देखा है वैसे ही हम अभी इसमें पॉकेट लगाएंगे। और फ्रेंड्स अभी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आने वाले रेड बटन को दबा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद एक बेल घंटी का बटन आएगा, बेल बटन उसको प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके भी बताएं कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। आइए फ्रेंड्स अभी इसमें हम पॉकेट लगाते हैं। ये हो गया फ्रेंड्स, एक साइड से हमने इसको जोड़ लिया है। अब हम इसमें थोड़ा ढील देंगे कपड़े में, यानी कि 4 इंच का इसमें ऐसे जैसे पॉकेट बन जाएगा ऐसे ढील दे करके। अब यहाँ से ये जो लाइन है उसके ऊपर से और यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस बैग का जो मेन प्रोसेस है वो अब शुरू होता है। इसका मेन पॉइंट जो है जहाँ पे हमें फोकस करना है, यहाँ पे फोकस करने के लिए पूरा ध्यान से आप देखिएगा इसको। इसके अलावा इसमें और कहीं भी कोई भेद नहीं है। जो ये लाइन हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, ये बीच का हो गया, एक उधर है, एक ही लाइन के इधर है। अब करना क्या है हमें पॉकेट बनाने के लिए, यहाँ पे एक सलवट लेंगे हम 2 इंच का, उसको इधर ले कर के हम यहाँ से सिलाई लगा देंगे यहाँ तक, मतलब इसके आधे हिस्से तक। अब दोस्तों हम ये बीच तक पहुँच गए हैं। अब हमने जो उधर की सलवट इसमें डाली थी प्लेट, वो इस डायरेक्शन में डाली थी इधर से मशीन की साइड जाते हुए। अब हम उसको उतना ही कपड़ा लेकर के इस डायरेक्शन में डालेंगे, ये हमें अपनी साइड करना, और यहाँ से यहाँ तक सिलाई ला करके फिर उसको ऊपर तक जोड़ देंगे। ये एक पॉकेट फ्रेंड्स हो गई। अब सेम तरीके से हम दूसरी पॉकेट बनाएंगे। इसका भी एक सलवट हम इस साइड में लेके जाएंगे, दूसरा अपनी साइड में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। ये दोस्तों दोनों पॉकेट बन गई हैं। अब हम साइड वाली पट्टियों में लगाते हैं, सब में पॉकेट लगा करके फिर मैं आपको पूरा विस्तार से इसको दिखाऊंगी। इसको हटा देंगे। अब ये जो साइड वाली पट्टी है उसमें भी एक कपड़ा और लेंगे, और इसमें ऐसे करके दोनों साइडों से इधर और इधर सलवट डालते हुए इसमें भी हम पॉकेट बना देंगे इस तरह से। दोस्तों अब ये जो बैग के बीच का हिस्सा है इसमें हम ये जो साइड वाली पट्टी है इस पर भी पॉकेट अपन ने लगा लिया है। अब इसको यहाँ पे अटैच करेंगे, यहाँ सिल करके, और इसके बाद हम इसको यहाँ साइड में भी सिल देंगे। ये देखिए दोस्तों बैग अपना बन करके रेडी हो गया है। ये स्पेशल मैंने बनाया है सब्जी के लिए, जैसे आप मार्केट में सब्जी लेने जाते हैं उसके लिए। इसमें अंदर खूब सारी पॉकेट हो गई हैं। आप ये मान लीजिए आलू है, इसको आप एक पॉकेट में डालिए। ये टमाटर दूसरी पॉकेट में,
ये भिंडी तीसरी पॉकेट में, गोभी बैंगन या फिर जो भी है और चौथी पॉकेट में, तुरई वगैरह है वो पांचवी पॉकेट में, और कोई वेजिटेबल है तो छठी पॉकेट में। अब ये जो बीच का हिस्सा रह गया इसमें आप मान लीजिए लौकी है या फिर हरी पत्तेदार सब्जियां हैं कुछ भी डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप अपनी सब्जियों को मार्केट से अलग अलग लेकर के आ सकते हैं। इससे घर में भी आपका टाइम बचेगा कम से कम आधा घंटा सब्जियों को अलग अलग करने का। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए।